घर सज गए, कार्ड बंट गए, मेहमान रिश्तेदार भी आ गए, लेकिन सरकार के इस फैसले से 3400 लोग कुंवारे ही रह गए। आखिर क्यों इस एक शहर में 1700 शादियां होते होते रह गई? जी हाँ, सही सुना आपने, सरकार के एक फैसले के चलते 1700 शादियां रुक गई। अब आप सोच रहे होंगे कि भला किसी की शादी से सरकार को क्या एतराज हो सकता है, लेकिन हुआ तो कुछ ऐसा ही है, और वो भी एक ही शहर में। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। मामला गुजरात के अहमदाबाद शहर का है, जहां कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने 21 नवंबर की रात 9 बजे से 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक अचानक कर्फ्यू लगा दिया, जिसके चलते जो जहां था वो वहीं अटक कर रह गया। सरकार ने तो अचानक फैसला ले लिया, लेकिन इस एक फैसले से शहर की 1700 शादियां रुक गई, क्योंकि 21 और 22 नवंबर को शहर में 1700 शादियां होनी थी, जो अब रद्द करनी पड़ गई। इस फैसले के बाद सरकार पर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो इस फैसले की सूचना समय रहते पहले नहीं दे सकती थी? क्या वो नहीं जानती थी कि उनके एक फैसले से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा? क्या सरकार को इस मामले में विचार नहीं करना चाहिए था, या फिर इस गाइडलाइन के तहत रात के 10 बजे या 11 बजे के बाद लॉकडाउन का समय तय नहीं करना चाहिए था? हालांकि यह भी माना जा रहा है कि अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये सख्ती बेहद जरूरी थी, क्योंकि शादियों में होने वाले बड़े जमावड़े कोरोना के सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकते थे। टीम खबर अपडेट।